श्रीमंत अवधि जाते बोले क्यों बोले भूत है भूत पिशाच निकल नहीं आवे कहां दिए जावे ध्वजा है बालाजी की किस किस के घर में चाहे श्याम बाबा की मैया की
लगाया करो। दो चीजें, दो फायदे। पहला फायदा, संकट दूर रहता है, और दूसरा फायदा, आज जो दुनिया राम मंदिर बनाने के लिए कह रही है, घर के आगे जब झंडा लगा होगा तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी घर किसका है, पता लग जाएगा इस घर के अंदर प्रभु राम रहते हैं। जरा बोलो हाथ भागकर प्रेम से ये बात। Thank you.
महीने अंदर है दिवाली, प्रेम से जरा मिलके ये बात। आज मेरा थोड़ा सा इसको ना मॉनिटरिंग नहीं है बिल्कुल भी,
टॉप्स ठीक है, हले इधर इधर पड़े हैं मेरा। मैं जब भी भजन करता हूं तो सबसे पहला दस्तूर है हनुमान जी को याद करना, और दूसरा दस्तूर है कि पहले भजन में सांवरे को बुलाओ। ये नहीं बैठने 56 करोड़ ट्रॉली ट्राले व्यापार अगला टेंशन में हो जाएगा, मैंने क्या क्यों जाके यार, इसको मेरे से प्यार नहीं, मेरे मेरे धन से प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है। कोई सेठ जी घर पे आए उनसे सीधा ही मांगना शुरू कर दो, खड़े होकर चल देंगे, लेकिन वो आए उनको पानी पिलाया, नाश्ता कराया, गोटे दबाए मोटे दबाए, सेठ जी कहेंगे आज बड़ी सेवा कर रहा, कोई काम है तुझे, जैसे बोले कोई काम है पर्ची निकाल और दे दो, ये ठाकुर सबका काम करते हो मेरा भी करते हो। तो पहले बाबा को बुलाएंगे, और बड़ा प्यारा भजन है, आप सबको आता है, शादी का माहौल है, कीर्तन में आज कोई रोना धोना नहीं होगा, पहले बता दूं, ना मेरे पास पर्ची लाना ना मैं गाऊंगा, क्योंकि खुशी में आए हैं, सारा साल पूरा दिन रोते रहते हैं दरबार में आके हंसा करो साहब, बच्चा गया बाप के पास, गाड़ी दे दे दी, व्यापार दे 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 दी, घर दे दी दे दी, चौथी बार फिर रोता हुआ चला गया, बाप को बोला थप्पड़ मारूंगा, कभी तो हंस के दिखा दिया कर कि कुछ मिला भी है तुझे, सदैव रोता आता है जब आता है दरबार में साहब। तो पहले बाबा को बुलाओ और बोलो कीर्तन की है परिवार वालों से कि वो बाबा की ओर देखें। हम रोज भजन गाते हैं मगर आज आपको मौका मिला है, हमारे कहने से शायद आए ना आए मगर आपके बुलाने से 100% आएगा साहब, क्योंकि जिसकी जगह है ठाकुर उसके भाव देखकर जरूर आता है। प्रेम से एक बार चाहूंगा आप सभी गाएं कीर्तन की है रात बाबा आज ठाने आओ है धन को लेनी भाड़ो। कौन मतलब, कौन मतलब वादा, पंजाबी में कौन नजदीक, अंग्रेजी में कौन फोन कॉल, अब देख लो जिसको तीनों कॉल में से कौन सा कॉल चले, या तो वादा निभा लो, जो वादा किया वो निभाना पड़े, हंस के पुकारो चाहे रो के पुकारो तुमको निभाना पड़ेगा। तो बुलाएगा प्रेम से, जो प्रेम से बुलाएंगे वो उठाना दोनों हाथ, जो जबरदस्ती बुलाएंगे वो नहीं, आज हम
है कि नहीं है मुझे आप बता दो। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सुंदर नहीं, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी राय है। अगर आपको भी सुंदर लग रहा है तो ताली नहीं
प्रेम क्या
क्या पता है ये जाटड़ी से सीखो, दिल्ली का शहर छप्पन भोग लेकर आता है और वीआईपी ट्रीटमेंट में चला जाता है, और हरियाणा की जाटड़ी अपने हाथों से 5 लाडू बनाकर थाली में धर के सिर के ऊपर लग के लाइन में लग जाती है और पूरे रस्ते किसी को नहीं देती। मंदिर में भी जब घुसती है तो पापा को देखते लाडू लेके पापा ने देख मार दिला, पापा तेरा खसर बना के लेके आई थी, और पापा भी छप्पन भोग बाद में खाता है, पहले वो लड्डू ढूंढ ढूंढ कर खाता है, तो जाटड़ी देखे भाई है। ये हरियाणा का प्रेम है, इसके बाद सुनाऊंगा हरियाणा का वचन, लेकिन पहले ताली बजा कर बुला लो बाबा को, और बोल दो कि बाबा जो कुछ बने वो भासू
भी जलसी हो जाए, सावरा इसी का है क्या, इतनी जोर से जकारा लगाता है। बोले शाम प्यारे की, लखदादार की। देखिए एक भजन और सुनाऊंगा, उसके बाद जो भी आपकी फरमाइश होगी, क्योंकि आज हारे नहीं आज जीते हैं, आज हारे नहीं आज जीते हैं। हाय, श्रृंगार के लिए पहला भजन होना चाहिए, उसके बाद जो भी बाबा के दरबार में बात हो उसके आए। कोई प्यार से मेरे शाम को, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले। क्या होगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब हुआ कि नहीं हुआ, देखो जिसको भजनों से मतलब है वो ढूंढ ढांड के भजन में बैठा रहेगा, और जिसको भजनों से मतलब नहीं उसके सामने भी होता रहे तो भी इधर उधर देखता रहेगा। आनंद की बात ये है कि भजनों के लिए कौन बैठा है, ऐसा हर किसी को भजन नहीं मिलता। कलयुग केवल नाम धारा, सुमन सुमन नर उतर ही पाया। आइए प्रेम से बाबा के चरणों में समय मिला है, बाबा की नजर उतारे, और जो बाबा की नजर उतारते हैं उसके परिवार को कभी किसी की नजर नहीं लगती। बाबा का भोग भी आ चुका है, भोग भी सुनाएंगे, प्रेम से आओ जरा मिलते।
और जिसका चरित्र महकता हो उसे इत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी। पर मैं तो हद लेके जाता, क्यों लगाते हैं बाबा को इत्र? बाबा का श्रृंगार जो बनता है किसी को नहीं पता लगता कैसे बनता है, ना वो बाग पता, ना बगीचा पता, ना माली पता, बस पैसा दिया वो श्रृंगार आ गया। बाबा का प्रेमी बाबा से क्षमा मांगता है कि बाबा आपके श्रृंगार का मुझे नहीं पता, कोई फूल अगर हल्का पतला लग गया हो जिसकी सुगंध ना हो आपका यह प्रेमी इत्र डालकर उसे भी सुगंधित करता है, मुझे क्षमा मांगता है। और जब भी कहां बनवाना हो तीन शीशी लेकर जाओ, तीन दो चढ़ा दो, दो चढ़ा दो, तीसरे का ढक्कन खोलते रहो, खोलते उसको क्या खोलते रहो, बाबा फैक्ट्री लगाइए, ओ बाबा छोकरा प्याना है, ओ बाबा ये काम खोलते रहो उसको क्या। और जैसे बात पूरी होते ढक्कन बंद करो, जेब में डालो, बोले जैसे दो चढ़ाई है काम कर देगा तीसरी भी चढ़ा जाओ, मैं चिंता मत करो। लेकिन हाँ।
कह रहा हूँ क्योंकि मेरी नजर में धोखा नहीं खा सकती है। चाहे मेघा और अमन के दादाजी का भी नाच लेने का बना रहे दोनों का, वो आ रहे हैं उधर से नजर चलते और हमारे बाबू जी कर रहे हैं। ये ताली बजाना जरा दोनों के ऊपर हाथ उठा के
मैनू नचले दे मैनू नचले
Yeah.
अब चौथे की बारी आई। चौथा था अणखी, जिसके घर में दाने उसके कमले की सियाणी। अब चौथा अणखी, पापा बोला भाई तो नहीं क्या चाहिए। चौथे को गुस्सा आ गया, बोला तने सारे मंगते रहे जरा मेरे। बोला मैं मंगल मंगल को नहीं आया। बोला फिर क्या करना आया। बोला मैं तो देखना आया था, तो कुछ देवे भी है जो मैसे शोर रखा है, लेकिन बाबा तेरे दरबार में ना कोई अदना है ना कोई आला है, और तू नहीं देखता कि कौन गोरा और कौन। तो सुन ले बाबा मुझे, तू नहीं खाटू वाले श्याम दनिया चस्का तेरी आली का मन चटक चाहिए जी फरारी का। तो जिसको यारी चाहिए वो जरा दोनों हाथ उठा दे दो, जिसको यारी चाहिए भावना में कर एक दो तीन Oh,
फ्लाइट में इतने शाम प्रेमी होते हैं, बस शो चलाने की देरी होती है, कितना नहीं होता ऐसा। मुंबई वालों की खासियत है, इसीलिए लिखा मुंबई से खाटू तक तरफ जिसका
की रोटी चाहिए, जरा दोनों हाथ खोलकर मन चक्कर चाहिए। Thank you.
खूब सजाया है,
सजधन का में जो बैठा उसी का सिक्का चलता है। बाबा के सच्चे सेवक हमारे आदरणीय पटकी सिंह जी चौहान हमारे बीच में है। बाबा खाटू धाम की नगरी जोरदार ताली एक बार। जो खाटू जाते हैं वो बंदे खास होते हैं और जो खाटू से आते हैं शाम उनके पास हो। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। क्षमा चाहूंगा मगर पूरी मलाई आई थी और हम घर में मलाई से मक्खन निकालते, एक तरफ खट्टी छाछ और एक तरफ मक्खन रह जाता। पूरी मलाई आई थी, मेरे ठाकुर ने उसको फेंटा, जो खट्टी छाछ थी धीरे धीरे सरकती गई। अब यह मक्खन है जो दरबार से चिपक कर बैठा है और ये अकेला जाएगा नहीं, अकेला आया तो है मगर सांवरे को साथ लेकर जाएगा। कौन कौन लेकर जाएंगे? दीवाने हैं दीवानों को बादलों को दे देते हैं, बादल
बादल हो जाए वापस इनके ऊपर गिर देते फिर हरिद्वार चले जाते हैं। चिंतन सामने की कृपा होती है ऊपर ये बादल कभी नहीं बरसते। दोनों हाथ खोलकर श्याम कुंड में डुबकी लगा लेना, गंगा जमुना दोनों का पुण्य लग जाएगा। फिर दर्शन करके दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती। दुख की घड़ी
आज किस्मत से जाओ इतना आनंद भरसा है। कोई पूछे कि क्या मिला भाई साहब ने क्या दिया, तो पटका या प्रसाद निकाल के दिखाना, उसको कहना आज 6 जनवरी को साल के पहले इतवार को किसी के पास कुछ ना हो तो हंसी है दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया, आज हमारे पास है वो शाम जिसके लिए तरसती है दुनिया। भोजन बनाया
दिवाला डाल लेने का बोला आओ राम जी भोग लगा राम जी आ गए बोला परेशान राम जी बोले भगवान तुम ही खा लो शरीफ आदमी अब अगली बार फिर क्या सही महाराज को बोला महाराज सो कर देना बोले क्यों बोले एक राम जी का एक मेरा महाराज को लगा इसको भूख ज्यादा लगती है इसलिए लोग का मांग रहा है दे दिया बोले जाता जाता राम सिया को भोग जरूर लगा ना अब अगली बार फिर भोजन बनाया जैसे बना सिया राम जी अब भोजन बनाया गो अब ये तो सिया राम खाएगा वो खाएगा बोले महाराज घरवाली के साथ आयो खाली तो भेजूंगा नहीं तुम खा लो मेरी कोई बात नहीं अब तीसरी बार जाते जाते बोला अगली बार बता के जाओ कितने आओगे राम जी बोले पूरे परिवार के साथ आऊंगा संत के पास गया बोला महाराज पांच छह लोगों का दे दो संत को लगा ये बेचने लग गया है सामान इसका पीछा करो सामान दिया अब भोला भी समझदार हो गया सबकी बात भोजन बनाया नहीं बनाने से पहले बोला राम जी सब परिवार आओ सब आ गए अब देखा भोजन तो बना नहीं बोला बोला मुझे पता था सारे के सारे आओगे बनाओ और खाओ सुनो बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना अब सीता माता भोजन बनाने लगी संत जो पीछा कर रहा था वो पेड़ के पीछे चिपके देख रहा उसको कुछ नहीं समझ आ रहा भोला को भगवान दिख गए मगर संत को कोई नजर नहीं आता जब सीता माता भोजन बनाने लगी पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आ गई भोला मजाक कर रहा बोला छे गई है तुम भी भूखे मरोगे वापस चले जाओ मैं भी भूखा बैठा हूँ और जैसे बनाने लगी हनुमान जी सफाई करने लगे शत्रुघ्न भरत राम लखन बैठे सीता माता बना रही संत को कुछ नजर नहीं आया भोला देख रहा संत हार के भोला को बोले ये क्या चक्कर है मुझे कुछ नहीं दिख रहा तुझे क्या दिख रहा है बोले देखो ना माता सीता भोजन बना रही है और सब खाने की तैयारी में संत की आंखों में थर थर आंसू आ गए कि भोला मुझे इतने साल हो गए उसकी तपस्या करते मुझे नजर नहीं आया अगर मेरा कर्जा चुकाना चाहता है अपने राम को कह दे एक बार मुझे भी नजर आ जाए भोले ने राम को कहा कि प्रभु मेरे गुरु जी आपसे मिलना चाहते हैं राम जी बोले संत देखो तुम्हारे सामने आता हूँ गुरु जी के सामने आए गुरु जी ने सवाल किया प्रभु मैंने इतने साल भक्ति की आप मुझे नजर क्यों नहीं आए भोले क्यों नजर आए राम जी बोले तू सिर्फ मुझे तंत्र मंत्र से दिखाता था ये मुझे प्रेम से दिखाता था और जो प्रेम से दिखाएगा जो भाव से दिखाएगा मैं उसके घर आऊंगा क्या दूं तुझे